नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। चुनाव का महापर्व हो, ऐसे में नेताओं को चाहिए अवसर। ऐसे ही अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लोकसभा क्षेत्र के रायसेन में होली मिलन समारोह में गोपियों के साथ जमकर नाचे और खूब ठुमके लगाए। रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होली मिलन समारोह में शामिल हुए। लोगों ने उन्हें तिलक लगाया तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिवराज सिंह गोपियों के साथ जमकर नाचे और ठुमके लगाकर चुनावी जनसंपर्क के बीच रायसेन पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंच पर कलाकारों संग नाचते हुए लठमार होली खेलकर कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे थे। देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में से एक रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है, पर शिवराज के सामने कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और दो बार के सांसद प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा है। इस बीच शुक्रवार देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह रायसेन पहुंचे, जहां जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शहर के सागर मार्ग पर बने श्री राम परिसर में रखे होली मिलन समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए, उनका अभिवादन किया। होली मिलन समारोह में शिवराज मंच पर होली के गीतों पर नाचते दिखे। शिवराज सिंह ने मंच पर कलाकारों के साथ लठमार होली भी खेली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ठाकुर रामपाल सिंह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी भी इस दौरान मौजूद रहे। शिवराज ने मंच से देश के साथ रायसेन विदिशा के विकास की बात की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। अगर कांग्रेस अच्छे काम करती तो सुरेश पचौरी जैसे अच्छे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आते।